हाय फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप सभी को दिखाने वाली हूँ मैं अपने बालों को कैसे वॉश करती हूँ। ये वीडियो मैंने आप लोगों की डिमांड पे बनाया है, आई होप आपको पसंद आए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे एक थम्स अप दीजिए और मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। शैम्पू करने से एक दिन पहले मैं रात में ऑयलिंग करती हूँ अपने बालों की। यहाँ पर मैंने ऑयलिंग किया हुआ है ऑलरेडी। अब मैं अपने हेयर खोल लूँगी। अगर आप ऑयलिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। शैम्पू करने से पहले अपने बालों को कॉम ज़रूर करें जिससे कि टैंगल नहीं बनेंगे। शुरू करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि मैं कौन सा शैम्पू यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने लिया है वाटिका। मैं काफ़ी टाइम से यही शैम्पू यूज़ करती हूँ। शैम्पू करने से पहले अगर आप ऑयलिंग करते हैं और उसके बाद सीरम अप्लाई करते हैं तो भी आपके बाल सॉफ्ट एंड सिल्की रहेंगे। लेकिन आपको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि कौन सा शैम्पू आपके बालों को और आपके स्कैल्प को सूट करता है। मैंने इसके अलावा भी बहुत सारे ब्रांडेड शैम्पू यूज़ किए हैं अपने बालों पर जिससे कि मेरे बाल झड़ने लग गए, लेकिन इस शैम्पू से मेरे बाल अभी तक नहीं झड़े हैं। मैं आपको हमेशा वही शैम्पू रिकमेंड करूंगी जो आपके स्कैल्प और आपके हेयर को सूट होता हो। शैम्पू हमेशा डाइल्यूट करके ही लगाना है, यानी कि इसे पानी के साथ मिक्स करके लगाना है। तो यहाँ पर मैंने अपना शैम्पू और पानी एक बॉटल में ऑलरेडी मिक्स कर लिया है, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट शैम्पू यूज़ करते हैं तो आपके स्कैल्प को वो ड्राई बना देगा। तो आप भी इस तरह बॉटल में कर सकते हैं शैम्पू को, या फिर एक मग लेकर उसमें हाफ क्वांटिटी शैम्पू और हाफ क्वांटिटी वाटर की ऐड कर सकते हैं। यहाँ इस बॉटल में मैंने हाफ शैम्पू और हाफ वाटर ही मिक्स किया है। ये बॉटल में मैंने इसलिए लिया है क्योंकि इसे मिक्स करना इजी हो जाता है। मैं हमेशा अपने बालों को फॉरवर्ड डायरेक्शन में वॉश करती हूँ। तो अभी मैं अपने बालों को इस तरीके से आगे की तरफ मूव कर लूँगी जिससे कि एक तो बालों को वॉश करना इजी हो जाता है और दूसरा स्कैल्प के अंदर ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होता है। सबसे पहले अपने बालों पर पानी डालेंगे जिससे कि स्कैल्प और बाल दोनों अच्छे से गीले हो जाए। सारे बाल गीले हो चुके हैं तो अब जो मैंने शैम्पू और पानी का सॉल्यूशन बनाया हुआ है ये स्कैल्प पर अप्लाई करेंगे। शैम्पू डालने के बाद अपने हाथ से स्कैल्प को अच्छे से मसाज करेंगे जिससे कि झाग बढ़ने लगते हैं। मैं शैम्पू थोड़ा थोड़ा करके अपने हेयर में डाल रही हूँ, उससे मुझे पता रहेगा कि शैम्पू कितनी क्वांटिटी मैंने यूज़ किया है। अब अपनी फिंगर टिप्स से स्कैल्प को मसाज देंगे जिससे कि स्कैल्प के ऊपर की गंदगी हट सके। स्कैल्प अच्छे से रब करने के बाद अपने हेयर को टिप्स तक साफ करेंगे। ध्यान रखें आपको अपने हेयर बहुत जेंटली रब करने हैं, अदरवाइज ये डैमेज हो जाएंगे। शैम्पू करते वक्त ध्यान रखें कि अगर आपके बालों पे झाग अच्छे नहीं बन रहे हैं तो इसका मतलब आपके हेयर में काफ़ी डर्ट है, तो आप उसे झाग बनने तक साफ करें। हेयर वॉश डाउनवर्ड्स पोजीशन में ही सबसे अच्छा रहता है, तो आप इसी तरीके से अपने हेयर वॉश करें। शैम्पू टिप्स तक अप्लाई करने के बाद इसे 2 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे बालों में जिससे कि स्कैल्प और बालों के अंदर की गंदगी को अच्छे से साफ कर सके। क्योंकि अगर आप शैम्पू करते ही इसे पानी से वॉश कर देंगे तो बस आपके बालों से शैम्पू निकलेगा, अंदर की डर्ट नहीं। 2 मिनट बाद दोबारा मैं अपने स्कैल्प को जेंटली रब करूँगी। ये देखिए फॉर्म अभी भी बन रहा है, फॉर्म के साथ साथ डर्ट बाहर आ जाएगी बालों की। आगे की तरफ से भी इस तरीके से शैम्पू करेंगे। टिप्स तक अच्छे से शैम्पू अप्लाई करेंगे। शैम्पू करते टाइम ध्यान रखें आपको अपने बालों को बहुत ज़्यादा रब नहीं करना है, अदरवाइज ये डैमेज हो जाएंगे। तो बस इस तरीके से इन्हें साफ करें, इससे आपके बालों का मॉइस्चर बचा रहेगा और बाद में आपके बाल थोड़े सिल्की दिखाई देंगे। कोशिश करें कि आप अपने बाल रोज़ ना धोएं शैम्पू से, अदरवाइज़ वो ज़्यादा ड्राई हो जाएंगे। तो इसके लिए आप वीक में 2 बार ही शैम्पू करें और 1 बार में आप 3-4 बार शैम्पू बिल्कुल ना करें, सिर्फ 1 बार शैम्पू करें अपने स्कैल्प और बालों को साफ करने के लिए।
मेरे हेयर वॉश हो चुके हैं तो मैं ऐसे स्क्वीज करके अंदर का एक्सेस शैम्पू बाहर निकाल रही हूँ। थोड़ा सा स्क्वीज करके निकालने से शैम्पू अच्छे से निकल जाता है सर से। तो अब मैं मग से अपने बालों को क्लीन कर लूँगी। सर्दियों में हेयर वॉश करते टाइम आप बहुत ज़्यादा गर्म पानी ना लें क्योंकि उससे बाल डैमेज हो जाएंगे। हल्का सा गुनगुना पानी लें, बाल एकदम क्लीन हो जाएंगे। हेयर वॉश करने के बाद अपने बालों को थोड़ा सा स्क्वीज करके मैं एक्सेस वाटर निकाल दूंगी। देखिए इस तरीके से हेयर वॉश कर लिया है मैंने। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि टॉवल से कैसे आप अपने बालों का एक्सेस वाटर निकाल सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर मैंने माइक्रोफाइबर वाला टॉवल यूज़ किया है। इस टॉवल को ऐसे सर के ऊपर से ले जाकर अपने बालों को अच्छे से रैप कर देना है टॉवल से। और टॉवल को ऐसे नीचे तक बांधने के बाद एक नॉट लगा देंगे। मैं अपने बालों पे हेयर ड्रायर यूज नहीं करती हूँ बिकॉज उससे बाल खराब हो जाते हैं। तो मैं अपने बालों को टॉवल के अंदर 10 मिनट के लिए ऐसे ही रहने दूंगी जिससे कि टॉवल खुलेगा भी नहीं और नीचे टॉवल ज्यादा है तो वो पानी जो नीचे आएगा सर से वो ज्यादा सोक भी होगा टॉवल में। अभी 10 मिनट हो चुके हैं तो मैं आपको अपने बाल दिखाती हूँ टॉवल से अनरैप करके। ये मैंने टॉवल खोल लिया है। अब टॉवल से बालों को इस तरीके से हल्का हल्का ऐसे प्रेस करूँगी। ये आप देख सकते हैं बालों का सारा पानी टॉवल ने सोख कर लिया है। ये बस वेट रह गए हैं और इनमें से पानी बिल्कुल नहीं जा रहा है। ये मैं आपको टेस्ट करके दिखा देती हूँ। ये देखिए मेरे बाल सिर्फ गीले हैं, इनसे पानी बिल्कुल नहीं निकल रहा है। अब मैं अपने गीले बालों पे अप्लाई करूँगी हेयर सीरम जो कि मैंने खुद बनाया है। ये नेचुरल हेयर सीरम है और इसकी रेसिपी आपको मेरे चैनल पे ही मिल जाएगी। उसके लिए आप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले सकते हैं। तो अब मैं ये सीरम अपने गीले बालों पे अप्लाई कर लूँगी। इससे बाल बहुत ही स्मूथ और सिल्की हो जाते हैं और इसमें बिल्कुल भी हार्मफुल केमिकल्स नहीं है, बिल्कुल नेचुरल प्रोडक्ट से ये बना है। तो आप ये सीरम मेरे चैनल पे से ज़रूर देखें और इसे अप्लाई करके मुझे बताएं आपको ये सीरम कैसा लगा। ये मैंने अपने बालों पे सीरम अप्लाई कर लिया है, बहुत ही स्मूथ और सॉफ्ट दिख रहे हैं ये। तो आज मैंने आपको बताया है आप ही की डिमांड पे कि मैं अपने बालों को कैसे वॉश करती हूँ। आई होप कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये हेयर वॉश वीडियो पसंद आया हो तो नीचे लाइक का बटन दबाएं और मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें क्योंकि मैं आप लोगों के लिए लाने वाली हूँ ऐसे ही कमाल की वीडियोस। मेरी वीडियोस को लेके अगर आपके कोई सजेशंस हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए, मैं अपनी वीडियोस में जरूर अप्लाई करूंगी उन्हें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।